अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़िया। आज हम आप लोगों के लिए मूंग दाल की पकौड़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। आप लोग हमारे तरीके से बना लिए, जो भी खाएंगे तो सबका दिल खुश हो जाएगा। तो आइए हम इस झमझमाती बारिश में पकौड़ी को बनाते हैं। इसके लिए हम हाफ के जी मूंग दाल ले लिए हैं। इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगा दिए थे, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, बस 2 से 3 चम्मच हम पानी डालकर इसको पीसेंगे, दरदरा पेस्ट बनाएंगे इसका। हम इसको हम साइड में रख देंगे। इसके लिए हम कुछ मसाले लिए हैं। ये ज़ीरा है, 1.5 चम्मच ज़ीरा है। ये 2 चम्मच सूखा धनिया है। ये लाल मिर्च है, 4 से 5 लिए हैं। और ये गोल मिर्च है, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम है। इसका हम पाउडर बनाएंगे, इसको हम रोस्ट करके पाउडर बनाएंगे, दरदरा पाउडर बनाएं। देखिए दाल को हम पीस लिए हैं, इसको हम दरदरा सा पेस्ट बनाए हैं, ये देखिए। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी प्याज है, ये 2 प्याज है मीडियम साइज की, इसको हम बारीक बारीक कट कर लिए हैं प्याज को। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको हम डाल रहे हैं। और ये हरी मिर्च है, इसको भी हम ऐड कर देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च है। जो पाउडर मसाला हम रेडी किए थे इसको हम ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम नमक ऐड कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। दाल हमारी ज़्यादा है तो हम 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं। अब इसको हम सारी चीज़ को मिक्स कर लेंगे। ये हरा धनिया है, थोड़ा इसमें हम ज़्यादा हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मूंग दाल पकौड़े में। अब इसको हम सारी चीज़ को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमको बस ऐसे हमको फेंटना है इसको, 4 से 5 मिनट तक हम इसको फेंटेंगे। ये अच्छा सा ये जो बैटर वजन वजन लगता है ना, तो ये हल्का लगेगा, इतना हम फेंटेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा ये और भी पतली हो जाएगी। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये इस तरीके का है। अभी हम फेंटेंगे तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। तो 5 से 6 मिनट तक हम फेंटेंगे इसको, बस एक ही साइड से हमको फेंटना है, इससे हमारे फुले फुले पकौड़े बनेंगे। आप लोग इसको बारिश में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा पकोड़े में। बस हम कलर के लिए इसको ऐड कर रहे हैं। आप लोगों को अगर ऐड करना है तो ऐड करिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हम रख दिए थे इसको रेस्ट पे। ये अच्छे से पकोड़े हमारे एकदम फूले फूले निकलेंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको हम छोटे छोटे पकोड़े हम बना लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं। और ये बहुत ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी, ये पकोड़ी बहुत अच्छी बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इसको अच्छे से हम कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसको हम पलट देंगे, पलटते पलटते हमको इसको फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आ गया है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम और फ्राई करेंगे, बस ऐसे हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग इसको बारिश में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी ये पकौड़ी। गैस की फ्लेम को हम अब हाई कर दिए हैं, बस ऐसे हम हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर रहे हैं। पहले हम सीलो किए थे, अब हम हाई कर दिए हैं। ये देखिए इसका कलर भी माशाल्लाह अच्छा सा आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाएगा, बस ऐसे हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी पकौड़ी हमारी बनी है। इसको हम ग्रीन चटनी, टोमेटो सॉस, इससे हम इंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को देखने में भी लग रही होगी, ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। ये देखिए हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।